मिर्जापुर के चुनार थाना क्षेत्र में एक कंपनी के टेक्निकल डायरेक्टर जीवेंदु रथ हत्याकांड का पुलिस ने खुलासा कर दो आरोपियों को गिरफ्तार किया है। उनके कब्जे से 32 बोर का पिस्टल, 8 कारतूस बरामद किए हैं। रंगदारी वसूलने के लिए दबाव बनाने के बाद भी धन न मिलने पर वारदात को अंजाम दिया गया था। इसमें करीब आधा दर्जन लोग शामिल हैं, जिनकी तलाश की जा रही है। देखिए पूरी खबर। चुनार थाना क्षेत्र के कबीर मठ कस्बा में 27 सितंबर को उड़ीसा निवासी जीवेंदु रथ की गोली मारकर उस वक्त हत्या कर दी गई जब वह अपने दो साथियों के साथ कस्बा में खरीदारी करने गए थे। जीवेंदु शांति गोपाल कॉन्कास्ट लिमिटेड दोहा में टेक्निकल डायरेक्टर के पद पर तैनात थे। उनके साथ आए किशोर कुमार दास भी गोली लगने से घायल हुए थे, जिनका उपचार कराया गया। घटना के वक्त मौजूद सुमित मोहंती की तहरीर पर मामला दर्ज किया गया था। पुलिस ने साक्ष्य के आधार पर मिर्जापुर जनपद के दो अभियुक्तों को गिरफ्तार किया है, जबकि वाराणसी से एक और मिर्जापुर से दो अपराधियों की तलाश की जा रही है। इसके अलावा कई अन्य आरोपी पुलिस की रडार पर हैं, जिनकी सरगर्मी से तलाश है। बताया गया कि आरोपी जीवेंदु रथ को रंगदारी के लिए धमकी दिया करते थे। उनसे प्रति माह एक निश्चित धनराशि मांगी गई थी। कोई जवाब न मिलने पर रंगदारी मांगने वालों को यह बात छू गई और पीछा करके उन्हें गोली मार दी गई। वारदात में शामिल अन्य अभियुक्तों की तलाश की जा रही है, उन्हें जल्द ही पकड़ लिया जाएगा। मामले का खुलासा करने वाली पुलिस टीम को आईजी ने 50,000 का इनाम घोषित किया है। भूनू यादव और अनिल यादव दोनों हमारे चुनार थाना अंतर्गत ही रहने वाले हैं, जनपद मिर्जापुर। और आप देख रहे होंगे जिस पिस्टल का इस्तेमाल किया गया था 0.32 उसका बोर है और 8 कारतूस, और वही कारतूस जो मौके पर बरामद हुए थे उसी के मॉडल के वो कारतूस है और बरामद किए गए हैं। रही बात इसमें घटना के दिन, जिस दिन 27 सितंबर को शाम को 7:15 बजे के आसपास जो घटना हुई थी, उसमें जितने अभियुक्त हैं अभी उसमें कुछ जाँच के विषय में अभी बनी हुई है, क्योंकि हम लोग अभी जानबूझ करके कुछ तथ्यों को नहीं अवगत करा रहे हैं कि हम उन्हें जिससे अपराधियों को फायदा ना या लाभ ना मिल सके। और इसमें से दो अभियुक्तों को गिरफ्तार किया गया है, जिसमें से एक व्यक्ति ने इसमें गोली भी मारी थी। कितने लोग शामिल थे घटना में? अभी तक की जो जांचें आई हैं उसमें 4 से 5 लोग शामिल थे, और उसमें अभी और अन्य व्यक्तियों की मुलजिमों की गिरफ्तारी बाकी है। और कुछ और तथ्य, जैसे कि कुछ और मुलजिम गिरफ्तार होंगे तो और लोग का क्या शामिल है क्या नहीं है, इसलिए मोटिव पूरी तरह से अभी क्लियर नहीं है, इसलिए हम अभी आपको नहीं बता रहे। सर कारण क्या था? मैंने अभी किया है, चूंकि इसमें तार जुड़े हुए हैं, इसलिए पूरी तरह से मोटिव क्लियर नहीं है, इसलिए अभी मोटिव सर बनारस का कोई ताकि अभियुक्तों को कोई लाभ ना मिल सके। सर बनारस का कोई गैंग भी काम कर रहा था क्या इसमें? इसमें हो सकता है, मैं अभी इसको अभी जानकारी पूरी हम लोग कर रहे हैं, इसमें मेरे पास है, बट अभी हम इसको पूरी जानकारी जब मिल जाएगी, पूरी मोटिव बात हो जाएगी, तभी हम इसका खुलासा करेंगे। मिर्जापुर से आशीष पांडे की रिपोर्ट।